वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर एक्सचेंज ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इन दिस टॉप इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेज. और इन दिस क्लास आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन एल्वोलाई, इन बिटवीन द एल्वोलाई एंड आर बी सी, एंड इन बिटवीन द आर बी सी एंड टिश्यूज. सो तो टिश्यू सेल्स. नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे पहले यहाँ पे जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई कैसे फंक्शन करेंगे, बिकॉज एक यहाँ पे मेन फंक्शन है प्रेशर ग्रेडियंट का, और प्रेशर कंट्रीब्यूट मेन फंक्शन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेन फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले इन दिस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई इज 104 mmHg pressure, and the partial pressure of oxygen in the atmosphere is 159 mmHg pressure रहेगा. Now in what is the pressure of carbon dioxide in the alveoli, inside the alveoli is 140 mmHg. And outside the alveoli, partial pressure of carbon dioxide is 0.3 mmHg pressure. Now what happened? यहाँ पे pressure, how pressure gradient works inside the alveoli for diffusion of gases. सबसे पहले inspiration और expiration के through यहाँ पे inspired air, here is expired एयर. नाउ यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो पार्शियल प्रेशर है आउटसाइड द इन द एटमोसफेयर और आउटसाइड द बॉडी इज 159 mmHg pressure, एंड द पार्शियल प्रेशर इनसाइड द एल्वोलाई इज 104 mmHg प्रेशर. नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg प्रेशर, एंड द पार्शियल प्रेशर आउटसाइड द एल्वोलाई इज दैट मीन्स के एटमोसफेयर में कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mmHg प्रेशर. ना अब गैसियस डिफ्यूजन कैसे होगा, सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट, हाउ प्रेशर ग्रेडियंट वर्क्स इनसाइड द एल्वोलाई, बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट और द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज 159. सो प्रेशर, और अगर पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई के अंदर 104 है, तो अगर कंपेयर करें दोनों में प्रेशर, तो एक ह्यूज डिफरेंस मिल रहा है. दैट इज की हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, तो हाई टू लो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेंगे एटमोसफेयर से और इंस्पायरेशन के थ्रू. इंस्पायरेशन के थ्रू, क्योंकि हाई एटमोसफेयरिक प्रेशर कितना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, हाई इन कंपैरिजन टू एल्वेलर प्रेशर में, एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो कितना है, इनके कंपैरिजन में लो है. सो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इन कंपैरिजन टू अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंपेयर किया जाए विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज 0.3 mmHg, एंड द इन साइड द एल्वोलाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg. सो अगेन हाई टू लोअर मूव करेंगे पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे क्या है, हायर टू लोअर मूव कर जाएंगे. सो एक्सपायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, और इंस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर ले लिए जाएंगे. तो ये कैसे कैरिड आउट हो रहा है, एक प्रेशर ग्रेडियंट वर्क कर रहा है, जहाँ पे इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे हो पा रहा है, बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर इज 159 mmHg, एंड इनसाइड द एल्वोलाई इज 104 mmHg. सो द ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एल्वोलाई प्रेशर, सो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर इन द एल्वोलाई. अब यहाँ पे कैसे इनसाइड द कैपिलरीज में कैसे होगा, यहाँ पे Thank you.
Now here is tissue cells. सबसे पहले अब ऑक्सीजन कैसे आएगा, हियर इज पल्मोनरी आर्टरी, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे फुल फॉर्म जरूरी नहीं, परफॉर्म बाय द हार्ट। सो यहाँ पे ये सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है, डिफरेंट सेल्स से और कैपिलरीज से इन वेन में आएंगे और वेन इज ड्रेन इनटू द राइट ऑरिकल और फाइनली राइट ऑरिकल ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट ट्रांसपोर्ट इन द एल्वोलाई और एल्वोलाई में ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए जाएंगे फॉर द ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन इन द लेफ्ट ऑरिकल और फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल इट ट्रांसपोर्टेड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द सिस्टमेटिक अरोटा और सिस्टमिक अरोटा और डॉर्सल अरोटा इट ट्रांसपोर्टेड इनटू टू द ऑल ओवर द बॉडी सेल्स। नाउ इन दिस केस Now, how oxygen diffusion carried out or exchange of gases carried out? सबसे पहले यहाँ पे partial pressure क्या होगा? Already deoxygenated blood में here is deoxygenated blood which come from the left right ventricle, और right ventricle में कैसे आ रहा है, क्योंकि different cells से और body से जो impure blood है deoxygenated blood is drained into the right auricle और from right auricle it come और इट ट्रांसपोर्ट इनटू द राइट वेंट्रिकल और फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस इट ट्रांसपोर्टेड टू द लंग एल्वोलाई। अब लंग एल्वोलाई में हियर इज लंग एल्वोलाई। नाउ अब इसके इस तरफ कौन से पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगा 40, दैट इज 40 mm Hg प्रेशर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फाइव, बिकॉज द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड सो ऑलवेज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है सो ऑक्सीजन जो सो द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड 45 mmHg, तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है तो ऑलवेज प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा और जहाँ पे हायर टू लोअर मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट ऑक्सीजन और गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाउ इन दिस केस बिकॉज इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द एल्वोलाई वेयर द प्रेशर इज 40 mmHg और इनसाइड द एल्वियोलर कैपिलरीज द प्रेशर इज 45 mmHg because the blood is deoxygenated. तो always oxygen carbon dioxide move करेंगे from higher pressure to lower pressure, तो 45 से move कर जाएंगे alveoli में और यहाँ पे carbon dioxide release हो जाएंगे। But what happens with the oxygen molecule? Now the partial pressure of oxygen molecule is equal to 40 mmHg in this case. In comparison to the alveoli where partial pressure of oxygen molecule, not carbon, partial pressure of oxygen molecule is 104 mmHg. So again oxygen diffuses from higher pressure to lower pressure where partial pressure of oxygen is 40 mmHg. So oxygen molecule diffuses from the higher pressure of 104 to 40 mmHg. So the blood become oxygenated because
ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन द आरबीसीज. नाउ अब इस केस में यहाँ पे पल्मोनरी वेन में पल्मोनरी वेन के थ्रू दीज ऑक्सीजनेटेड आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे और द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स फ्रॉम इन कंपेरिजन टू वेन वी कंपेयर विद द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम ग्रेटर इन कंपेरिजन टू डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हियर 95 mmHg प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द पार्शियल बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहे हैं एल्वोलाई में सो द अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिक्रीजेज इट बिकम 40 mmHg इन द डी सॉरी इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना अब ये ट्रांसपोर्ट होंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द सिस्टमेटिक अरोटा और डॉर्सल अरोटा इट ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट टिश्यू बिकॉज जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है. एनर्जी का फॉर्मेशन कब होगा जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे. हियर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन रेस्पिरेशन हाउ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगोज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फाइनली ATP इज सिंथेसाइज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बाय ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन. सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और जितने भी क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन के बने होते हैं तो एक एक कार्बन को रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन को क्या बोला जाता है दैट इज के यहाँ पे जो कार्बन होंगे दीज कार्बन आर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड्स. सो अगेन यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैरिड आउट इन द टिश्यू सेल्स और कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर किया जा रहा है इनसाइड द सेल्स. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इनसाइड द सेल दैट इज इनसाइड द टिश्यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज बाय 5 mmHg. सो द टोटल प्रेशर इज 45 mmHg इनसाइड द टिश्यू सेल 5 mmHg हो जाएगा एंड द ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है फॉर द इन द एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल. और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिक्रीजेज 40 mmHg 40 mmHg में कन्वर्ट हो जाएगा 40 mmHg. सो कैसे कन्वर्जन हुआ ये 40 mmHg में. अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पे आएंगे क्योंकि 95 mmHg ऑक्सीजन प्रेशर है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द टिश्यू इज 40 mmHg. अगेन प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा फ्रॉम ऑक्सीजन हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव कर जाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन 45 है यहाँ पे हाई है और इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg. सो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मूव इनसाइड द ब्लड और RBCs एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनसाइड द सेल्स. तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. सो द ब्लड बिकम डी ऑक्सीजनेटेड बिकॉज द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन कंपेरिजन टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. यहाँ पे ये ब्लड किस में आ जाएंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से एल्वोलाई कैपिलरीज में जाएंगे विद द पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज फिर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन और ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैरिड आउट होगा. इन दिस केस अगेन वही प्रोसेस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 40 mmHg है इन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ऑक्सीजन फिर से डिफ्यूज हो जाएंगे इन RBCs ऑन RBCs और हीमोग्लोबिन
Now, partial pressure of carbon dioxide is greater in comparison to partial pressure of carbon dioxide inside the alveoli. So, oxygen diffuses from blood capillaries to alveoli. कार्बन डाइऑक्साइड तो ना ये एक्सपायरेशन कैसे होगा, सेम वही प्रोसेस, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेंगे बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर इज 159 mmHg एंड द इनसाइड द एल्वोलाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg. सो इन जो ऑक्सीजन है ये मूव करेंगे बाय द इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन के थ्रू फ्रॉम एटमोसफेयर टू द एल्वोलाई एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कंपेरिजन टू एटमोसफेयर इज हाई इन द एल्वोलाई. सो यहाँ से ये एक्सपायरेशन के थ्रू एक्सपायर्ड कर दिए जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द एल्वोलाई इन द एटमोसफेयर बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज 0.3 mmHg प्रेशर. नाउ अब डिफ्यूजन देखते हैं. यहाँ पे एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा. एक्सचेंज के बाद फिर डिफ्यूजन देखेंगे. डिफ्यूजन हाउ डिफ्यूजन कैरिड आउट इन साइड द एल्वोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी और वेसल्स एंड द जनरली इसके जो डिफ्यूजन है डिफ्यूजन को कौन से स्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे डिफ्यूजन पूरे डिफ्यूजन प्रोसेस में ना. अब डिस्कस करते हैं प्रोसेस. सबसे पहले यहाँ पे एल्वोलाई सेल एल्वोलाई इज मेड बाय द स्क्वैमस एपिथीलियम फॉर्म बाय द स्क्वैमस एपिथीलियम विच हैज प्रॉपर्टी फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस. स्क्वैमस एपिथीलियम ना स्क्वैमस एपिथीलियम के बाद हियर इज कैपिलरीज. कैपिलरी इज फॉर्म बाय एंडोथेलियल सेल एंडोथेलियम हियर इज RBCs. RBC. Now, RBC. Now, in this case, how these are carried out? Diffusion is carried out. Because the partial pressure of oxygen molecule is 104 mmHg pressure inside the alveoli and the partial pressure of carbon dioxide is equal to carbon dioxide is 140 mmHg pressure. So यहाँ पे क्योंकि और इन दोनों के बीच में that is के alveoli and the in between the endothelium and the alveoli basement substance is present. There is basement substance is present. Now in this case what happened with these molecule. सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द एल्वोलाई इज 104 mmHg प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लड कैपिलरी इज ऑक्सीजन इज 40 mmHg 40 mmHg बिकॉज द ब्लड इज डी ऑक्सीजनेटेड. सो द ऑक्सीजन मूव from higher pressure to lower pressure because squamous epithelium has the property to squeeze. ये इनके पास actually RBCs के पास भी ये property होती है कि ये squeeze out हो जाते हैं and the यहाँ पे squamous epithelium है ये कैसे perform करते हैं इससे easily oxygen और carbon dioxide dissociate और diffuse होके डिफ्यूज होके बेसमेंट मेम्ब्रेन में चले आएंगे. बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बेसमेंट में सॉरी बेसमेंट सब्सटेंस में म्यूकस
फिर रहेगा, और इन दिस केस जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इजिली डिफ्यूजेस विद द दिस बेसमेंट सब्सटेंस, और फ्रॉम दिस बेसमेंट सब्सटेंस इट मूव इन टू द ब्लड कैपिलरीज. ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे इन ब्लड कैपिलरीज बिकॉज एंडोथेलियम ऑल्सो एंडोथेलियल सेल्स हैव ऑल्सो प्रॉपर्टी, इनके पास भी प्रॉपर्टी होगी शिफ्टिंग की. सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी यही से मूव कर जाएंगे ना. इन दिस केस क्या होगा कि जो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होना है बिकॉज ऑक्सीजन प्रेशर इन द एल्वोलाई ज़्यादा है, तो ये अपने आप डिफ्यूज होके बेसमेंट सब्सटेंस में आ जाएंगे ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और फ्रॉम हियर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू बेसमेंट सब्सटेंस शिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड द ब्लड कैपिलरी इज ग्रेटर दैन इन कंपेरिजन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड द एल्वोलाई. So the carbon dioxide move into the basement substance and diffuses into the alveoli. Finally, they get diffuses with the alveoli membrane and ये carbon dioxide alveoli में पहुंच जाएंगे और expiration के through बाहर expel और expired कर दिए जाएंगे carbon dioxide. Now in this case क्या होगा सबसे पहले क्योंकि जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये एज ए मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी लिक्विड मीडियम होते हैं ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये गैसेस से इजिली डिफ्यूज कर सकते हैं. सो एक जो मीडियम बना जो मीडियम प्रेजेंट है ये क्या है बेसमेंट सब्सटेंस, ये इजिली एक पाथ प्रोवाइड करते हैं और एक फैसिलिटेट करते हैं गैसियस डिफ्यूजन को, जिससे कि जितने भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ज़्यादा है तो ये भी डिफ्यूज इजली कर जाएंगे इन द बेसमेंट सब्सटेंस, और ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा है एल्वोलाई में सो दे गेट आल्सो डिफ्यूजेस विद द सब्सटेंस सॉरी बेसमेंट सब्सटेंस. अब यहाँ से बेसमेंट सब्सटेंस से ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इजली आरबीसीज पे आ जाएंगे, आरबीसीज पे ट्रांसफर हो जाएंगे और फ्रॉम द आरबीसी ये ट्रांसफर हो जाएंगे इन टू द एल्वोलाई. हियर इज एक्चुअली एंडोथेलियल सेल ना, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेसमेंट सब्सटेंस में ऑलरेडी जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा. अब इस यहाँ पे हाई होने की वजह क्या रीज़न है, हाई जब प्रेशर हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीजन स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट इनसाइड द आरबीसी हीमोग्लोबिन फंक्शन एज ए ऑक्सीजन बाइंडिंग और कार्बन बाइंडिंग सब्सटेंस और मॉलिक्यूल ये और पिगमेंट ये वर्क करेंगे ऑक्सीजन कैरियर की तरह और बाइंड करेंगे ऑक्सीजन से और सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करते हैं. तो सो द इफ द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई सो द स्ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बढ़ जाएगा इंक्रीज कर जाएगा और फाइनली हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे. और इन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इससे डिसोसिएट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड रहेंगे. लेकिन क्या है कि यहाँ पे जब ये एल्वोलाई के पास पहुंचते हैं बेसमेंट सब्सटेंस के पास जब पहुंचते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत इंक्रीज कर जाते हैं, पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाता है, सो द ऑक्सीजन स्ट्रेस इंक्रीजेज एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन बॉन्ड ब्रेक्स एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएट होके डिफ्यूज कर जाएंगे इन द बेसमेंट सब्सटेंस, और यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी, आरबीसी के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे. एंड हाउ दीज ऑल दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द आरबीसीज, क्योंकि हमने देखा कि जो आरबीसी होंगे इसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और दे फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. हाउ दिस हैपन इनसाइड द हियर इज बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी.
biconcave structure of RBC, and here is alveoli cell. Alveoli cell. Now, in this case, here is alveoli cell and here is tissue. Alveoli and cell. Now, in this case, क्या होगा? Because always metabolic activities are carried out by these cells, so carbon dioxide always releases from the metabolic activities or by the reaction or by for the formation of ATP molecule. Carbon dioxide always releases inside the cell, so the carbon dioxide pressure increases inside the cell. Partial pressure of carbon dioxide हमेशा बढ़ता रहेगा. अब यहाँ पे जब RBCs रीच करेंगे सेल के पास, तब क्या होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है तो एक स्ट्रेस बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. सो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन जो ऑलरेडी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड है, यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन अपना बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो जाएंगे और फाइनली ऑक्सीजन फ्री है और ये ऑक्सीजन इन सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और डिफ्यूज हो जाएंगे सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू. और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है इनसाइड द सेल, सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेस हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएंगे. ना ये कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द आरबीसी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दीज कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म द बाइकार्बोनेट आयन. बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होगा एंड एच प्लस प्रोटोन आयन. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे और जैसे ही ये एल्वोलाई के पास पहुंचेंगे, एल्वोलाई के पास पहुंचेंगे तब क्या होगा? इनसाइड द एल्वोलाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg. सो द स्ट्रेस इंक्रीजेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. एंड यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेक नहीं करेंगे. अब जैसे ये रीच करेंगे यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन एंड प्रोटॉन आयन फिर से रिएक्ट करेंगे और आपस में बाइंड होके वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएंगे. देन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएंगे जैसे ये एल्वोलाई में पहुंचेंगे. ना इन दिस केस द एल्वोलाई, बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, सो द कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड हीमोग्लोबिन फाइनली बाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड नाउ इज रेडी फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस और डिफ्यूजेस टू द एल्वोलाई. एल्वोलाई से डिफ्यूज कर जाएंगे और इस तरीके से एक्सपायरेशन के थ्रू ये एक्सपायर कर जाएंगे, एक्सपेल कर दिए जाएंगे और रिमूव कर दिए जाएंगे टूवर्ड्स द इन द एटमोसफेयर. ना ये पूरी जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी तरीके से कैरीड आउट होगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर और स्ट्रेस वर्क करता है. जब पार्शियल प्रेशर ऑफ
एनी गैसेस हाई होगा तो उस केस में वो डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ और मूव कर जाएंगे, और चाहे वो ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ के केस में यही दोनों प्रोसेस होगा। और यहाँ पे दोनों ही केस में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज और बाइंड विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।